आप उसे सच सुनना चाहते हैं हाँ, सच ही तो फिर बहुत अच्छी महफिलें हो रही है बहुत बड़ी बड़ी महफिलें हो रही है आप उसके अंदर सुनने के बाद डिसाइड नहीं करते कि आपने अच्छा कलाम पढ़ा है आप पहले से लोग बैठे होते उन्हें पता है ये सुनना है क्योंकि वो यूट्यूब पे वो कलाम सुन के आया है उसकी फरमाइश करनी है और उनको वही सुनना है और नातवा से बेहतर जो इस महफिल को ऑर्गेनाइज करते हैं जो उनको बुला रहे होते हैं ना वो ऐसे आसीन हसीन आसी शेर पढ़ रहे होते हैं उन पर लोग भी नहीं हैं। वो उनको पूरा माहौल बना के देते हैं वो उनको ही नहीं रहे होते हैं, इसलिए इसका मतलब साहब समात नहीं है किरदार के बिकारी हैं, चेहरे के प्रोफाइल के हमने इनको बनाया बुलाया है आवाज ने इतनी बड़ी महफिल करी है हजूर के लिए महफिल ये हो रही है अब ये तो बिल्कुल ये तो महफिल में से महफिल गायब हो गई है पूरी रात में से एक आधा लम्हा आता है जब मैं को कोशिश करता हूँ कि उस बारगाह में कुछ पेश कर दूँ अब जब भाई वो सुना दे वो वो सुना है अरे मैंने कहा भाई नया सुनो नया सुनो नया सुनने के बाद दाद दो तो ये ये भी तो होता है ना कि असल में साहेब महफिल इतना खर्चा करके आया होता है बता इतनी मैंने लोगों को मधु किया है हाँ। और उसके बाद जो है अगर हदरत का जो मूड है कुछ कहते हैं ना ऐसे स्केल अच्छा, में पढ़ने का शौक है तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं एक होती है ना अच्छा, कि नाफिल को सुना अब आपकी बात को मैं गुलाब कर रहा हूँ पहले महफिल होती थी साहिब मसरत की वजह से साहब सुनने वाले होते थे जो वो सुन रहे होते थे तो हम सब लोग वही सुन रहे होते कि हजरत ये सुन रहे हैं तो हजरत की कैफियत को देख के हम भी कैफियत में होते थे अब जो है हम ऑडियंस को भी सुना रहे होते हैं तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें कलाम और महफिल के आदाब दोनों को बड़ा समझ के करना पड़ता है पहले महफिल जो है लोग अपने मुर्शी जो मुझे मुर्शी सुन रहे हैं ना बस वही मैं सुन रहा हूँ अब अलग अलग मुर्शि है एक ग्रुप आया है, वो अलग मुर्शीद है एक ग्रुप आया वो अलग मुर्शि है अब ये ज्यादा पैसे देता है इस मुर्शिद का तो मुझे अलाउंस भी करना पड़ेगा नाम भी लेना पड़ जाएगा मतलब तो ये मुझे बुलाएगा नहीं ये मुझे काटवा देगा अल्लाह ना करे मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हो गया है हम इससे परहेज कर